वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको शो कर रहा हूँ अपने ग्रेप वाइन। कारण ये है दिखाने का, पहले पिछली वीडियो भी मैंने ग्रेप वाइन दिखाई थी, वो तो मैंने जैसे ग्रो की थी। अभी मैं दिखा रहा हूँ ग्रेप वाइन जो कि अपने ऊपर से सूख गई है। देखो ये कम से कम 5 फुट की, 5.5 फुट की ग्रेप वाइन हो गई थी। चक्कर क्या हुआ, मैंने मिस्त्री को कहा था कि अपने लेबर को कह देना पानी डाल दे, उसने कहा उसको पता नहीं याद रहा नहीं आ, मुझे लगा 2-3 दिन तक चल वो डाल रहे हैं पानी, पर वो आए किसी ने डाला ही नहीं तो यार सूखने लग गई। इट्स ओके, ये ढीट होता है, ये देखो ये ग्रोथ पकड़ लेती है। सिमिलर टू दैट मेरी जो दूसरी वाली भी है ग्रेप वाइन, ये वाली ब्लैक ग्रेप्स वाली, वो भी ऐसे ऊपर से हो गई थी। ये देखो इट्स ओके, ये पकड़ रहा है फिर से ग्रोथ अपनी नई वाली। ये देखो इसकी ये चीज़, इस मामले में ये पूरा ढीट होता है, अच्छे से ग्रोथ पकड़ रहा है। डोंट वरी, अगर आपकी भी ग्रेप वाइन सूखने लग जाए उसको उखाड़ो मत, उसको 2-3 दिन पानी डालिए, सही से ग्रोथ पकड़ लेगा। ये ढीट होता है, बढ़िया ग्रोथ अपनी पकड़ लेता है। सो कोशिश कीजिए, अगर आपके पत्ते इसके सूख रहे हैं आप 2-4 दिन में पानी डाल दीजिए। होप सब कुछ अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने ग्रेप वाइन के रिलेटेड नई वीडियो देखी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके, बेस्ट हैप्पी गार्डनिंग।